आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कई ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके बाल तो काफी लंबे होते हैं, लेकिन दो मुंह होने की वजह से उन्हें कटवाना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या ये आपने कभी सोचा है कि बाल दो मुंह होते क्यों हैं? कई बार थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस के होने की वजह से बाल दो मुंह हो जाते हैं। इसमें बालों की बाहरी लेयर बेजान हो जाती है। ऐसी हालत में अगर बालों का ध्यान नहीं रखा जाए और उन्हें पूरा मॉइस्चर नहीं मिले तो बालों की हालत और खराब हो सकती है। ऐसे बालों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कटवा देना। घबराएं नहीं, उन्हें ट्रिम करा देना, लेकिन उसके बाद बालों का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दो मुंह बालों को काटने के बाद आपके दो मुंह बाल दोबारा ना आए, इसके लिए कुछ उपाय आपके लिए बता रहे हैं। दो मुंह बालों से बचने के लिए ये घरेलू उपाय आपको बहुत काम आएंगे। अंडे का मास्क। अंडों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है, साथ ही जरूरी फैटी एसिड्स भी। अंडे के इस्तेमाल से जहां हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं, वहीं ये बालों को मुलायम और पोषित करने का काम भी करता है। अंडे के पीले भाग को ऑलिव ऑयल में मिलाकर लगाने से भी लाभ होता है। गर्म तेल से चंपे। गर्म तेल से मसाज करने में मॉइस्चर बना रहता है, इसकी वजह से बाल बेजान होकर दो मुंह नहीं हो पाते। रोजाना चंपी करने से बालों का रूखापन समाप्त हो जाता है और बाल घने भी होने लगते हैं। पपीता। बालों के लिए पपीता बहुत काम की चीज है। मॉइस्चर बनाए रखने के लिए शहद से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसमें मौजूद कई तत्व बालों में चमक लाने के लिए ही उन्हें पोषित भी करते हैं। इससे घने होने के साथ ही बाल चमकदार भी बनते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने कि इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप अपने बालों को दो मुंह होने से बचा सकते हैं। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान।